और अब खबर उत्तर प्रदेश से, जहां पर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सबसे लंबी एलिवेटेड रोड का उद्घाटन करेंगे। करीब 10.5 किलोमीटर लंबी एलिवेटेड रोड गाजियाबाद के यूपी गेट को राजनगर एक्सटेंशन से जोड़ेगी। 2014 में शुरू हुए एलिवेटेड रोड पर 1,147 करोड़ रुपए की लागत आई है। इस रोड के बाद दिल्ली से मिनटों में गाजियाबाद क्रॉस किया जा सकेगा। योगी आदित्यनाथ आज सुबह 10 बजे हिंडन एयरपोर्ट पहुंचेंगे और सीधे यूपी गेट पहुंचकर उद्घाटन करेंगे। इसके बाद कविनगर में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। और अब खबर मुंबई से, जहां पर बीती रात दो हादसे हुए हैं। पहली घटना मुंबई से सटे ठाणे में हुई, जहां पर ओवरलोडेड डंपर के अगले पहिए हवा में लटक गए। खैरियत ये रही कि दमकल की गाड़ी ने करीब 45 मिनट बाद ड्राइवर को सही सलामत बचा लिया। दूसरा हादसा मुंबई के लालबाग फ्लाईओवर पर हुई, रफ्तार के कहर में दो जाने चली गई। 120 की रफ्तार से बाइक दौड़ रही थी, तभी संतुलन बिगड़ने के कारण वो फिसल गई और दो लोगों की जान चली गई। और अब बात मौसम के बदलते मिजाज की, जहां पर दिल्ली में पारा 40 डिग्री पार कर रहा है, वहीं उत्तराखंड के बद्रीनाथ में अचानक बर्फबारी शुरू हो गई है। सिर्फ 2 घंटे में 2 इंच तक बर्फ की परत बन गई है। कल दोपहर तक जोशीमठ और चमोली में भी काफी गर्मी थी, लेकिन शाम होते होते मौसम सुहाना हो गया। हमारे लिए वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें, सबसे तेज और सटीक खबरों के लिए डाउनलोड करें आज तक ऐप या फिर विजिट करें www.aajtak.in और बने रहें आज तक के साथ। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।